सोनी टीवी के पॉपुलर शो बरसाते के आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ी न्यूज रिवील करने वाला है रियांश, और इसी न्यूज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये न्यूज क्या होगी वो तो सबसे बड़ा सस्पेंस है, लेकिन इसी न्यूज की वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है मिमी को, यानी कि आराधना की असली माँ को, और अपनी माँ को इस तरह वो नहीं देख सकती है। मिमी परेशान है क्योंकि उनकी जो रियल बेटी है कि माया, उसके नाम पर उसे ब्लैकमेल किया गया है, और उसको मालिनी को लगता है कि उसकी बेटी की माया प्रेग्नेंट हो सकती है, और अगर ये 9 बजे वाली न्यूज नहीं रुकी तो ये बात सारी जगह फैल जाएगी, क्योंकि मालिनी का भी पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। जब आराधना पैदा हुई होती है बचपन में शादी से पहले, तो मालिनी को उसे छोड़ना पड़ता है, और मालिनी को यही डर होता है कि कहीं उसकी बेटी की माया के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए वो आराधना से मदद मांगती है। आराधना के सामने वो हाथ पैर जोड़कर बहुत रोती है। आराधना को वो रियल रीजन नहीं बता पाती है कि वो इतना क्यों घबराई हुई है, लेकिन आराधना तो एक्चुअल में उनकी ही बेटी है, और वही बेटी है जिसे उनको छोड़ना पड़ा था। इसलिए आराधना सब कुछ समझ जाती है कि मालिनी इतना ज्यादा क्यों घबरा रही है। इसी के चलते आराधना विश्वास दिलवाती है मालिनी को कि वो उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने आराधना को बेटी माना है, तो वो कि माया की बहन हुई और कि माया के साथ वो कुछ गलत नहीं होने देगी। इमीजिएटली आराधना कॉल करती है रियांश को ताकि वो उसको रोक सके रात की 9 बजे की न्यूज डालने से। अब देखना ये होगा कि रियांश अपने उसूलों के खिलाफ जाकर आराधना की बात मानता है या नहीं, और इस सब ड्रामे में आराधना और मालिनी के रिश्ते की सच्चाई सभी के सामने कैसे आती है वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा।